ये जो आप घर देख रहे हो ना, ये पहले उसका था, अपने भाई का, विजय माल्य का। दो चार एसी भी मंगा के निकालते जाते हैं, इतनी गर्मी है तो फाइव स्टार में क्यों चले जाते हैं। उन्होंने औजार उठा लिए पहले ही। अब बोल दोबारा। यहाँ पर अभी हम वाटर एक्टिविटी करेंगे, नहाएंगे। आज पूरा दिन हमारा बीच में जाने वाला है, क्योंकि आज फुल टू मस्ती होगी। Hey guys, welcome back to our YouTube channel. तो आपने अगर गोवा का फर्स्ट एपिसोड नहीं देखा है तो प्लीज जाकर जरूर देखें हम कैसे गोवा पहुंचे और कैसे कैसे हम आए। आज हम जा रहे हैं कहाँ? बागा बीच। बागा बीच, द मोस्ट फेमस बीच इन गोवा। तो आज इस वीडियो में हम लोग फैमिली के साथ एक्सप्लोर करेंगे बागा बीच और देखते हैं क्या क्या है वहाँ पर देखने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए। गोवा में मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, इसमें प्रेजेंट वेदर है और अभी हम अपने रूम से निकलते हैं और जाते हैं, अभी सबको उठाते हैं, फिर निकलते हैं, सबको लेके चलते हैं बागा बीच। शाम के अभी 7:30 हो रहे हैं, बट ये कि अगर व्लॉग में थोड़ी बहुत लाइट की हो तो थोड़ा देख लेना, क्योंकि रात हो गई तो रात को आपको पता है कि अच्छे शूट नहीं हो पता, लेकिन फिर भी जितना हो सकता है उतना करेंगे, अदरवाइज फिर मॉर्निंग में रीस्टार्ट करेंगे। तो चलो फिर चीज और ये स्विच ऑफ। अरे गजब जिया हो बिहार के लाला। तो रूम को टाटा बाय बाय। ये है आज का हमारा लुक, थोड़ा गोवा आए हैं तो गोवा वाले शहर बनता है, थोड़ा फंकी फंकी टाइप। देखो थोड़े से चांद सितारे रात के लिए। तुम वहाँ की बेल बजा, मैं यहाँ की बजा रहा हूँ। पंटो ठीक, देखते हैं कौन पहले आता है। 3 2 1 ओह माय गॉड, दोनों एक साथ, ये कैसे हो गया? अरे पापा भी एक साथ निकल गए और ये भी, और रेडी हो गए हैं। पापा ने भी बिल्कुल बीच वाला लुक ले लिया है। एज यूजुअली बॉयज सबसे पहले रेडी होते हैं और अभी तैयार नहीं हुए। पापा काजू कैसे हैं? टेस्टी है ना? ये हमने काजू यहाँ से लोकल उससे लिए थे, गोवा में तो ये सबसे ज़्यादा फेमस है और सबसे मतलब रीजनेबल रेट पे मिल जाते हैं। और दूसरा एक हमने ये लिया था पिस्ता, ये भी अच्छा है, ये भी यही कही है। और बर्फी भी तो लाए थे, वो कहाँ है जो यहाँ की लोकल थी? हाँ ये थी। और यू कॉन्ट बिलीव कि इसकी कीमत क्या है, गेस करो, इसकी कीमत है मात्र 50 रुपीज। और इसका नाम जो कि अभी आधी हो चुकी है, फिलहाल तो आधी हो चुकी है। इसका नाम क्या है? क्योंकि ये अंकल जी ने खा ली है। पिस्ता बड़ी और दूसरा ये है काजू बड़ी। काजू बड़ी। ऑल सेट टू गो, ऑल सेट टू गो ऑन। रात कर दी ऑन ऑन करते हुए इन्होंने, शक्ल भी नहीं आ रही अब सही से। रात को ही गोवा चलता है क्यों भाई? बिल्कुल भाई, दिन में तो गोवा सोता है, सोता है, रात को सुबह तक जगता है, जगता है, क्योंकि यहाँ पे पार्टी एनिमल्स है काफी। कंडोलियम बीच के पास ही हमारा होटल, काफी सारे फेमस रेस्टोरेंट्स, बार्स एंड मदिरा पान बार, ये सब है। और ये सब और स्पा भी आपको बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे यहाँ पे। काजू से बनी एक चीज यहाँ पर हम और चखाना चाहेंगे, जिसे कहते हैं फैनी, जो प्योर काजू की होती है। देख वाइन एंड काजू, आपको देख रहा होगा सम्राट वाइन एंड काजू। तो ये काजू की काफी सारी यहाँ पे वैरायटी है भाई। काजू क्या कहानी बता रहा है यहाँ पे, क्या है काजू? यही होता है? हाँ। अच्छा, गोवा में? गोवा में साइड में भी होता है, यही होता है ज्यादातर। गोवा देखो ना, इसलिए काजू काजू काजू, और इसलिए यहाँ के काजू फैनी फेमस है। मालूम है तेरे बाप को? ये सामने इंडिया के बहुत ही प्यारा चर्च, खूबसूरत लाइटों से। मैंने एक चीज देखी है, गोवा को ना लाइटों से ज्यादा सजाया गया है, है ना? बिल्कुल, मतलब बेसिकली लाइटों का काम किया गया है। अगर आपके पासपोर्ट वीजा नहीं है, थाईलैंड जाना है तो यहाँ आ जाओ। समझ रहे हो? समझ रहे हो? ये सारे शैक्स जो ओपन हो चुके हैं और वो आप देख रहे हो पूरा दूर तक, वो पूरी लाइटें भाई, ऐसा लग रहा है जैसे जैसे दिवाली बन रही हो, है ना? हालांकि अल्टीमेट माहौल हो रहा है और यहाँ कैंडल लाइट डिनर करो। और ये इधर बीच है, अभी दिख नहीं रहा होगा, एक्चुअली हम रात को एक्सप्लोर करना है पूरा, बट ये कि कल दिन में भी करेंगे तो दिखाएंगे आपको पूरा। कैंडल लाइट डिनर करने आए हैं, हालांकि कॉपीराइट आ जाएगा, ज्यादा शूट नहीं करेंगे। कहा हुआ है, कहाँ जा रहे हो? धूप से बचने ये 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 सनफ्लावर देखो। अरे वाह, अंकल अभी गोली खा रहे हैं। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और अभी बज चुके हैं सुबह के 9 और अभी हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट के लिए, और रात हो गई थी तो इतना ज्यादा शूट भी नहीं कर पाए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग,
क्या खा रहे हो? हम लेट हो गए या तुम जल्दी आ गए? फुल डाइट वाला खाना गोवा में आ गया। क्या खाना? इडली उपमा। ये शाद की तरह का तुम्हें मेरे थोड़े पीछे दर्द क्या हुआ है? इडली उपमा। किसी किसी मुख्य मारे जो भी लगा तो लगाना। ये क्या है? ये गोवा में आती है क्या? कर लिया तुमने? ये ऐसा है कि यहाँ पे वाइन जो है ना बहुत फेमस है। हाँ। उसमें थोड़ी सी भर के ले जाऊंगी, मेरठ के लोगों को खिलाऊंगी। जा बेटा, तेरा फोन कहाँ है? फोन कहाँ है? अरे हाँ आंटी, अरे अरे गजब, अरे ये आया, अरे हमको देख लिया, आते भी देख लिया। फिर बैग पैक कर लिया, फिर रख लिया, लेकिन आज एक ही है। बेड लोकेशन है, थोड़ी सी मार्केट है और सामने सी व्यू है पूरा। ये कुछ इस तरीके से बहुत ही ज़्यादा अल्टीमेट। कैसा लगा? इतनी प्यारी लोकेशन है और वो सारे बीच हैं उधर, और ये फोर्ट है। यहाँ पर बहुत ही अच्छी फोटोग्राफी होगी, आपको इंस्टा पे देखने को मिल जाएगी, और फॉलो कर लेना, देख लेना। गोवा की सारी फोटोज़ वगैरह हैं, वहीं अपलोड करेंगे। पर दिल चाहता है कि शूटिंग हुई थी। काफ़ी अच्छी लोकेशन है जो कि भारद्वाज जी ने हमें शो कराई है। हाँ बताई तो मैंने, लेके आया हूँ। सोचा तो मैंने था। हाँ, गाड़ी को मैंने चलाई थी। डायरेक्टर तो मैं हूँ। तैयार तो पापा हुए थे और मैंने तो चश्मा लगाया था। कुछ भी चल रहा है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। तो सही है। और एक बैलून वाली भी है, वो भी करेंगे। ना ना गिराना नहीं है। अब कितनी गर्मी है यार, इसको भेज के मैंने बंगले से दो चार इंची भी नहीं मंगा के लगाते यार। इतनी गर्मी है तो फाइव स्टार में क्यों चले जाते? बेटा जाते थे, हम भी कभी थे नवाब। फिर हमें भी किसी ने बताया दो दिन में पैसा डबल। ये है हमारा बुलंद दरवाजा जिससे हम है ऐसे निकलेंगे और ऐसे जाएंगे, और ये हमारी खिड़की। वाओ, अल्टीमेट लुक। इन सब की बहुत मेहनत है, ये प्रेमी जोड़ियों की। इनकी बेचारों की शादी नहीं हो पाई, इनकी नाम लिखे गए यहाँ पे। तो लिख के गया था पहले, अब सेंड ही देगा ये पहले। अब मिठाई ने लिखा था, तुषार ने लिखा था, लेकिन आज ही काटने आया है। मैंने लिखा था मगर मैं काटने आ गया नहीं। इस लिखे हुए को मिटाना हमने, इस लिखे हुए को हमें, इस लिखे हुए को मिटाना इसे याद है ना कुछ। हेलसिंकी तने समझ में आई ना? ना हेलसिंकी तने बोल रहे मैं कहता उसके ना, मैं नरबी तने समझ में आई। तो बेसिकली ये लोअर पॉट, और यहाँ पर ये पूरा समुंदर है, बीचेस हैं, और पापा कह रहे हैं कि यहाँ पे भी पानी आता था पहले। हाँ, ये पहले पूरा पानी से भर जाता था, हाइट होता है, ये सब भर जाता है। तभी इसमें वो होस दिए गए हैं ना पानी निकलने के। वो सारी राइड्स हो रही हैं, बोटिंग जो अभी हम करने वाले हैं, ये मछली पकड़ने के लिए जाता जा रहा है। हाँ, वो सारे फिशर्स हैं वो ना, जोर जोर से आवाजें करते हैं ताकि मछलियाँ जाल की तरफ आगे और फंसे उसमें। क्या मिल रहा है? वड़ा पाव जो हमने कल खाया। कौन खाएगा वड़ा पाव? तुम्हारा हमारी फ्रेंचाइजी है। हमारी फ्रेंचाइजी है। हाँ, इसके अंदर भाई बर्फ है ना, इसके अंदर उन्होंने औजार उठा लिए पहले ही। अब बोल दोबारा, दोबारा बोल। ये ठंडा रहता है ना अंदर, ये देखिए ना, पकड़ के गर्म नहीं हुए। और ये हुआ बटन,
सीधे छींटे खुले गरम नहीं होगा सर, ठंडा ही रहेगा, ठंडा है गरम है वो था ना। अरे वो तो रहा सर, ये पिला के नहीं, ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो तूने कहा हम तेरे पे सैंपल टेस्ट कर रहे हैं। आपने डिटेन कराया था, हमने सुना कल जैसे कुछ कराया था हमने, अब टैनिंग क्यों हो रही है? लेमन सोडा एक बार आओगे तो खट्टा, एक बार आओगे तो बार बार आओगे। आग डाल के देख, देखो जरा मिलाई कहाँ है, मेरी मिलाई नहीं है। इसके अंदर वो डाल दो, गुंगा बोला गोवा में आके गुंगा भाई, हमें वो डब्लू वाला पेड़ मिल गया, अच्छा ना देख उसकी जड़ बन रखी है, सही कह रहा है गोवा वाला, इस पे 10 करोड़ इसके नीचे है। अच्छा करोड़, तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? ये वही डब्ल्यू है, वाह सारा बेकार कर दिया ये किया आंटी ने, बहुत ही बढ़िया काम, वाह वाह जी वाह, मुझे क्यों नहीं आ रहा ये मेरे के लोग ये कुछ भी कर सकते हैं। रिपोर्ट तू बताएगा, रिपोर्ट क्या बता पी के वाकई में अच्छा लगा, है ना, बिल्कुल बेकार कर दिया। भाई का खुद का भी चैनल है, नॉर्दर्न नॉर्दर्न ब्लॉगर, ये भी नीचे लिखा हुआ आ रहा होगा तो कर लेना भाई कभी सब्सक्राइब, ठीक है? बड़ा पाव आ गया, बड़ा पाव आ गया भाई, बड़ा पाव आ गया, इसके लिए बहुत बड़ा पाव। मिनी अगोड़ा फोर्ट घूमने के बाद अब हम जा रहे हैं बीच एक्सप्लोर करने, हालांकि रात को गए थे बट तब व्यू नहीं आ पाया, एक्टिविटीज करेंगे सारी। गोवा में आके गोवा की वाइब जो आती है ना वो अलग ही लेवल है, एकदम चिलिंग वाइब है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज दिखाऊंगा जो मुझे अभी रास्ते में दिखी थी, एक गाड़ी देखी बहुत ही प्यारी, बिल्कुल गोवा टाइप। गाड़ी के बारे में आपको बता रहा था, ये देखो कितनी अल्टीमेट है, अमेजिंग मिनी टार्जन। ये जो आप घर देख रहे हो ना, ये पहले उसका था, अपने भाई का, विजय माल्या का, जो भी लंदन सेटल है, किंगफिशर के मालिक, लेकिन अब सचिन जोशी ने ले लिया ये गोवा में, प्रॉपर्टी बहुत बड़ी है, ये पूरी सीरीज सीज कर दी थी, लेकिन किंगफिशर हर जगह से डूब गया है, एक जगह से डूबा, कहां से? बियर से नहीं डूबा, गोवा में किंगफिशर की ब्रांडिंग बियर, जैसे हमारे होते ना अंबुजा सीमेंट, टीएनटी सरिया, यहाँ होता है किंगफिशर, हेनिकेन, यहाँ बटवाइजर, यहाँ पे ये वाली ब्रांडिंग होती है, देखिए ये हेनिकेन। अंबुजा सीमेंट से तो मकान बनते हैं, लेकिन किंगफिशर से ढह जाते हैं। वाह वाह जी वाह, तोपों की सलामी, वाह वाह बेटा वाह, मौज गाड़ दी तुमने। तेरा मेरा आगे जी आगे, कलंगट बीच पे आ गए, कलंगट, और यहाँ देखो क्या नजारा हो रखा है इस वक्त, अल्टीमेट वाला म्यूजिक मस्ती और यहाँ पर सारी एक्टिविटीज। तो अभी हम बैठ ले रहे हैं यहाँ पर, और अभी बात चल रही है हमारी, 1500 रुपये बोल रहा है 5 एक्टिविटी के, हालांकि रेट तो सही है जिस हिसाब से लोग बोले, बट हमने सोचते हैं और कम हो जाए तो ज्यादा भी है, मेरठ वाला है बार्गेनिंग क्या जाएगी नहीं वाला। मसाले वाला खीरा खाने का अलग ही मजा है गर्मी में धूप में, है लाइट फूड यू ना, नो जंक्स। हम रात को जब आए थे तब तक नहीं लग रहा था, लेकिन आप यहाँ पर अभी हम वाटर एक्टिविटी करेंगे, नहाएंगे, आज पूरा दिन हमारा बीच पे जाने वाला है, क्योंकि आज फुल टू मस्ती होगी। देखो गर्मी तो है लेकिन यहाँ आकर गर्मी नहीं पड़ती, क्योंकि ठंड ठंडा पानी जब जा रहा है ना मजा ही आ रहा है, एक बार जैसे पानी में गया ना पैर तो गर्मी ऊपर की नीचे आ जाएगी। बड़ा हरामी हो बेटा, कितना प्यारा हो रहा है भाई, ये शक्ल सब नोट हो रही है जो तुम कह रहे हो ना बार बार, उतरो चढ़ो देखेगा। जोड़ लगा के ये तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो भाई। लगता है आज हमने अपना प्लान कैंसिल करना पड़ेगा, क्योंकि वेव ही नहीं आ रही है, आधे घंटा हो गया बैठे हुए, वेव नहीं आ रही वो वाली।